नमस्कार दोस्तों, मशहूर सिंगर केके की मौत को लेकर के अब तरह तरह की बातें हो रही है। और आपको पता ही है, जैसा कि कलकत्ता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान केके की मौत हो जाती है। और अब जो आरोप लगे हैं वो ये है कि ऑडिटोरियम में क्षमता से अधिक भीड़ थी, एसी नहीं चल रहा था और पसीने से बदहाल सिंगर ने की थी शिकायत। बॉलीवुड के सिंगर केके का मंगलवार को कोलकाता के एक लाइव कॉन्सर्ट में निधन हो गया। 53 साल के केके थे और केके कोलकाता के नजरुल मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है और परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि केके के सिर में चोट के निशान मिले हैं। इस बीच एक चश्मदीद ने दावा किया है कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनका मिस मैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पर पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा कि बंद ऑडिटोरियम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले ही एसी को लेकर के वहाँ शिकायत दर्ज करा चुके थे। केके की मौत जो है वो नॉर्मल नहीं है। अब इसको लेकर के अफवाहों का बाज़ार काफ़ी गर्म है, क्योंकि ये जो बातें निकल करके सामने आई है ये कहीं ना कहीं ये शक पैदा कर देता है कि आखिर हुआ क्या था। वास्तव में वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा भीड़ थी, क्या वहाँ के एसी ऑन नहीं थे जिसके कारण से केके को अटैक आया और निधन हो गया। निलाफर हुसैन है, इन्होंने सोशल मीडिया पे एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और उन्होंने लिखा है कि नजरुल मंच जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था उसका वेन्यू का एसी काम नहीं कर रहा था। इसी जगह पे केके ने एक दिन पहले भी परफॉर्मेंस दिया था, उन्होंने एसी को लेकर पहले भी शिकायत की थी क्योंकि उस दिन भी उन्हें बेतहाशा पसीना आ रहा था। पहली बात यह है कि यह खुला हुआ ऑडिटोरियम नहीं था। जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो आयोजकों को अपनी तैयारियों का भी ध्यान रखना था। अगर आप परफॉर्मेंस का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा केके को बार बार पसीना आ रहा था और वो बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे। वे करीब करीब गिड़गिड़ा रहे थे कि एसी ऑन कर दो और कुछ लाइट्स ऑफ कर दो। वे कह रहे थे कि गर्मी से जान निकल रही है। लोगों ने ऑडिटोरियम के गेट तोड़ दिए थे, वे बिना पास के घुस आए थे। मैनेजमेंट क्या कर रहा था? सिक्योरिटी कहाँ थी? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? ज़रा कल्पना कीजिए, कोलकाता की चिपचिपाती गर्मी, उसके ऊपर बंद ऑडिटोरियम और इतनी भीड़ में एसी का काम नहीं करना, और आप अपने दीवानों के लिए पूरे दम लगा करके गाना गा रहे थे। हार्ट अटैक नॉर्मल नहीं था, ये एक बड़ी घटना हो गई है। और नजरुल मंच के एक स्टाफ एम हुसैन ने बताया, इवेंट में लोग ऑडिटोरियम की कैपेसिटी से ज़्यादा थे, वहाँ मौजूद भीड़ बाउंड्री को क्रॉस कर रही थी। कुछ लोगों ने तो जो गेट तक तोड़ दिए। वहीं नजरुल मंच से कुछ फोटोज सामने आए हैं जहाँ सिंगर ने कल रात को परफॉर्म किया था, और एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि सिंगर ने इवेंट में जिन गानों को गाया उसकी लिस्ट एक कागज़ पर लिखी हुई थी। अब केके का कार्यक्रम जिस नजरुल मंच पर था उसकी क्षमता 2700 लोगों की थी, लेकिन यह प्रोग्राम एक कॉलेज का था और कॉन्सर्ट में 7000 से ज़्यादा लोग घुस गए थे। कुछ छात्र छात्राएं दीवार कूदकर ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचे। ममता सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी क्षमता से अधिक लोगों वहाँ मौजूद होने की बात कबूल की है, और उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ को काबू करने के लिए आग बुझाने वाले फोम का इस्तेमाल किया गया था। हमने नजरुल मंच को यह भी कहा कि अब यहाँ पर कॉलेज के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथी सिंगर बोली, जो केके की साथी सिंगर थी, वो उन्होंने कहा कि केके फिट थे, सबको खुश होकर के मिले। जो साथी सिंगर हैं शुभ लक्ष्मी डे, उन्होंने परफॉर्म किया था उस केके वाले कॉन्सर्ट में, और शुभ लक्ष्मी ने बताया कि केके अपनी परफॉर्मेंस से पहले ग्रीन रूम में आए और सभी आर्टिस्ट से खुश होकर के मिले। उन्होंने सभी से अच्छे तरीके से बात की, काफ़ी खुश लग रहे थे, कहीं कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। शो का इंतज़ार हो रहा था कि अब शो स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले आकर के हम लोगों से मिले, और उस समय वह पूरी तरीके से फिट दिख रहे थे, उनके चेहरे पर भी परेशानी के कोई भाव नहीं थे।
परफॉर्मेंस के दौरान केके की तबीयत बिगड़ी और वह कॉन्सर्ट वेन्यू से हड़बड़ी से बाहर निकले थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में वो पसीने से तर बतर दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केके के सीने में दर्द हो रहा था और वो अस्पताल जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। सिंगर केके की मौत को लेकर कोलकाता के न्यू मार्केट थाने में अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया गया है। सिंगर का पोस्टमार्टम उनके परिवार की सहमति के बाद होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी अव्यवस्था कैसे हुई, कोलकाता पुलिस ने कैसे इतने लोगों को घुसने की परमिशन दी। और जब हम किसी भी प्रोग्राम के लिए परमिशन लेते हैं तो उस समय सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ की व्यवस्था को संभालें, कितने पुलिस की ज़रूरत है, कितने होमगार्ड्स की ज़रूरत है, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। लेकिन सरकार ने इस मामले में बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया आयोजकों के ऊपर, और आयोजकों ने इस बात की कोई भी चिंता नहीं की कि 2700 का जो कैपेसिटी है इस ऑडिटोरियम का, वहाँ पे 8000 लोग कैसे घुस गए। और 8000 लोग जब घुस गए, इतनी गर्मी, इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़, तो अननेचुरल बातें जब होंगी तो इस कंडीशन में ऐसी घटना हो गई। और केके जो कि एक बड़े सिंगर थे, अभी 2-4 दिन पहले ही एक बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है। अभी देश इस शोक से उभरा भी नहीं था कि केके की मौत ने सारे सिने प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को एक बड़ा झटका दिया, कि क्योंकि केके अभी सिर्फ 53 ईयर्स के थे और लाइव कॉन्सर्ट में उनकी डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस देने के दौरान। और वो भी डेथ होने का कारण सिर्फ ये है कि आयोजक की कुव्यवस्था, सरकार की कुव्यवस्था, और जिस जगह पे ये परफॉर्मेंस हो रहा था वहाँ की कैपेसिटी सिर्फ 2700 लोगों की थी, लेकिन 8000 लोग घुस गए थे। और 8000 लोग घुस गए, इसका मतलब ये है कि सरकार ने वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं बना रखी थी, कोई पुलिस वाले नहीं थे, नहीं तो इतने लोग को इसमें आने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो ये सारे सरकारी तंत्र की विफलता है कि 4 दिनों के अंदर भारत से 2 मशहूर सिंगरों की मौत हो जाती है। और अगर ध्यान दें तो दोनों जगह सरकार की विफलता है। एक जगह पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, उसके बाद हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ केके जो कि सरकारी बद इंतजामी के शिकार हुए, एक ऐसा जगह जहां पे कम लोगों की कैपेसिटी थी आने की, वहां 4 गुना लोग ज़्यादा आ गए। गर्मी इतना बढ़ गया कि हार्ट अटैक के शिकार हुए केके। और दोनों सिंगर आज इस दुनिया में नहीं है, ये सरकार की कुव्यवस्था और विफलता का एक कारण है। जय हिंद, जय भारत।